टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर गेट मैकेनिकल प्रिपरेशन। ठीक है कि अगर आप गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है। ठीक है, मतलब कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो अपना फुल कोर्स है 640 आवर्स का, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा मैकेनिकल, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब कुछ आप लोगों को कवर कराया है, कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर सच्चाई कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रिसोर्स है जो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो अगर आप उस रिसोर्स को करते हो तो आपकी जो सक्सेस है, मतलब इट इज़ 100% इंश्योर्ड की होगी होगी। ठीक है, आप कामयाब होगे ही होगे, एंड दैट रिसोर्स इज गेट मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गेट PYQs, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मतलब सच्चाई है कि आपको कोई कुछ भी कहता है, कुछ भी, कोई टीचर आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर आपको कुछ भी बोल रहा है कि मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब ध्यान रखिएगा मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे आर ऑलवेज रिपीटेड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैकेनिकल मतलब जैसे कंप्यूटर्स फील्ड है, इट इज इवॉल्विंग, वो हर साल चेंज हो रहा है, कंप्यूटर्स की आप बात करें, पर मैकेनिकल फील्ड भाई जैसा पिछले 20 साल पहले था वैसा ही आ जाए, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर आए नहीं है, और ना ही गेट के सिलेबस में, ऑफकोर्स देर आर चेंजेस, पर बहुत थोड़े चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो सेम रहते हैं। ठीक है ना, सो अगर आप चाहे कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, जैसे मर्जी आप प्रिपेयर कर रहे हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स गेट मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये तो करने ही करने हैं, दे आर मतलब दे आर द फाउंडेशन, वो सबसे मतलब जो पहला स्टेप है प्रिपरेशन, अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो आपको कोचिंग सेंटर में बाद में एडमिशन लेना है, आपको बुक्स बाद में खरीदनी है, सबसे पहले आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी मतलब शॉपकीपर में जाके आपको लेकर आनी है। गेट मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उसके अंदर से मतलब आप उसमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आप उसमें से क्वेश्चंस देखिए, आपको पता चलेगा कि टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले कौन कौन से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप खाली उतना भी अगर आप ढंग से कर लो तो आपका गेट क्रैक हो जाएगा, मतलब क्वालिफाई आप गेट कर लोगे। ठीक है ना, और उसके बाद भी मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बेसिक्स 11 12th के फिजिक्स के मैथ्स के स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस एक किताब को अगर आप ढंग से कर लो, ठीक है, तो कोई भाई कुछ भी कहे, पैटर्न चेंज हो रहा है, लेवल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको इनको जरूर सॉल्व करके जाने। हाँ, मतलब 30 ईयर से पुराने मतलब क्वेश्चंस हैं, आप चाहे उन्हें रहने दीजिए, पर मतलब पास्ट 15-20 ईयर्स, हो सके 25, अभी तो 6 महीने पड़े, यू हैव गॉट एनफ टाइम। अगर जीरो से प्रिपरेशन शुरू करोगे तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जीरो से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और पूरा का पूरा मैकेनिकल आप 100% कवर कर सकते हो, इंक्लूडिंग कंसेप्ट, डेरिवेशन थ्योरी, एवरीथिंग, ठीक है, तो मेरे ख्याल से गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप A to Z सारे लगा लेना। ठीक है, तो मतलब दिस इज द बुक, दैट लेटेस्ट बुक ऑल्सो, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, मुझे लगता है 600-700 कुछ ऐसे होनी चाहिए, मतलब मैंने लास्ट प्राइस इसका देखा नहीं है, इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, पर जो भी है इट्स वर्थ इट। अगर आपकी किताब, मैं कहता हूँ, 2-3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो बेशक नहीं खरीद लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये किताब जरूर करके जाना है, ये वो किताब है जो तुम्हारी नैया पार लगवाएगी। ठीक है, अगर मतलब पहले तो मतलब मैं एक कोर्स अलग से भी, मतलब मेरी मोबाइल ऐप जो गेट मैकेनिकल लेक्चर्स है उस पर, मनीष इंद्र गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर अवेलेबल था, लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स, मतलब उसमें यही वाले जो क्वेश्चन थे ये इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में मैंने करवाए थे कि आपको डेरिवेशन थ्योरी सब पता लग जाता था जस्ट बाय द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब इतना डिटेल्ड आंसर होता था कि अगर आपने सिर्फ अगर वो डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी देख लिए तो भी मतलब आपको पूरा वो सब्जेक्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, पर खैर अब मैं वो अलग से तो नहीं सेल कर रहा, बट जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेजॉरिटी के कह रहा हूँ, मेजॉरिटी के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो सारे आपको जो मेरा फुल कोर्स है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस की मदद से भी आप सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। ठीक है,
पर वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि पूरा जो कोर्स है इट इज जस्ट 640 आवर्स, ठीक है, 6 महीने का टाइम है, रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई करोगे तो पूरा मैकेनिकल बिल्कुल प्रॉपर बेस फाउंडेशन बना के और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो खैर जो भी है, ये किताब तो भाई जरूर करनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो हमारी वीडियो कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।